हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे वशिष्ठ वासुलिपि हिंदी वाक्यांश निर्माण। तो हम वाक्यांश के बारे में समझेंगे आज। तो इसका पार्ट वन है ये। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन पार्टों में रखेंगे अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये वाक्यांश की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर एक में बना तो, और समझ में भी नहीं आएगा। बुक में भी इनको पार्टों में डिवाइड कर रखा है, अलग अलग रख रखा है, तो उसी प्रकार। ठीक है, तो अब जैसे कि है शब्द चिन्हों को मिलाना। तो सबसे पहले हम वाक्यांश की परिभाषा समझते हैं। क्या है वाक्यांश? दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर लिखने की प्रक्रिया को वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, और इसमें पेंसिल नहीं उठानी होती। ठीक है, जिसमें पेंसिल ना उठाई जाए और आसानी से पढ़े जाए और लिखे जाए वो सबसे श्रेष्ठ वाक्यांश है। तो जैसे कि हमारे ये शब्द चिन्ह है, लिख रहे हैं शब्द चिन्हों को मिलाना। तो हम इन शब्द चिन्हों को जब मिलाएंगे, जैसे आ और गए, आ और गी और आ और गया, तो ये वाक्यांश बन जाएंगे। ठीक है ना? कहा ना हमने दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाना। ठीक है, जैसे कि अभी हम जूम करते हैं, जैसे आ और गए। तो हम पहले तो इनको अलग अलग लिखते थे ना, तो अब इनको साथ में लिखना है। और इसमें भी हमको इस बात का ख्याल रखना, अपना जो पहला शब्द है उसका चिन्ह क्या है, ऊपर है नीचे है, टच द लाइन है कट द लाइन है, उसके अकॉर्डिंग ये फिर उसके साथ वो दूसरा जुड़ता जाएगा। ये नहीं जैसे कि ये अप है और ये टच है, तो एक हम बिल्कुल ऊपर बना देंगे और एक टच बना देंगे। ठीक है ना? तो हमको पहले वाले का ध्यान रखना है। जैसे हम उसकी शब्दों की रेखा बनाते थे ना, तो वैसे ही। और इसके तीन पार्ट बनेंगे, ये पहला पार्ट है। उसके बाद हम Q&A की वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सबको इनको मेंशन करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में समझाएंगे। तो अब जैसे कि ये है आ का चिन्ह, ये गए का, ये आ का चिन्ह, ये गए का, ये आ, ये गया। फिर है जैसे कि और वह, तो ये और ये वह की वह, ये की ये वह। ठीक है ना? हमने कहा ना पहले वाले को, ये क्योंकि इसकी तरह अब इसको ऐसे तो नहीं बना सकते थे ना हम, ऐसे नहीं बनेगा। और वैसे वह का चिन्ह कौन सा है? ये है अप द लाइन। ठीक है ना? इसमें तो ठीक लग रहा है क्योंकि की के बाद इसके पेंसिल के साथ में आ गया बनने में, इसमें नहीं बन रहा, इसकी डायरेक्शन बदल गई, तो पर ये वही पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर हो और गए, तो ये अब लाइन पर आ जाएगा। पहले आ के साथ गया आया जब वो ऊपर आ गया था। ठीक है ना? क्योंकि आ अब द लाइन बनता है और हो टच द लाइन बनता है, हमें पहले वाले पे ध्यान रखना है। फिर जैसे कि उसने, तो ये उस, ये ने, मुझको, ये मुझ को, फिर आ गया हो। तो इसके लिए अब जैसे कि ये आ, ये गया और हो बनता टच द लाइन पर, ये अब हम यही बनाएंगे। क्यों? अब ये तो नहीं कर सकते ना, ये जैसे कि ये हमारी एक लाइन होगी एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली, और ये हो गया आ गया, और फिर अब ये तो कोई बना ही नहीं ना, ये तो कोई पूरा शब्द बन जाएगा। तो
तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिरकी और गई, आ गए हों। तो आ गए, सॉरी ये आ गए हों, ठीक है, उसी ने। फिर उसको उसको उसी को इसने इसको इनको ठीक है, ये सब चिन्हों को मिलाना था ख, तो अब इस क सॉरी अब करते ख, ख में क्या हवा का सब चिन्ह वो वह शब्दाक्षरों को मिलाना, तो इसमें हम ने तो सब चिन्हों को मिलाया दोनों को, इसमें हम हमारा एक तो सब चिन्ह होगा और वे उसको शब्दाक्षर के साथ जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया इसमें आ गया होगा, तो होगा क्या है शब्दाक्षर, आ गया ये दोनों क्या है सब चिन्ह, तो इनको एक साथ जोड़कर जैसे कि ये आ गए होंगे, ये आ गया होगा, सॉरी हो गया होगा, इसमें बहुत बारीक बारीक बात है इसलिए इनके तीन पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा और दूसरा पार्ट आपको जब मिलेगा, जब आप पहले वाले की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लोगे, मुझे लगेगा कि अच्छी सी प्रैक्टिस कर ले, और उससे कैसे पता चलेगा, जितने ज़्यादा व्यू होगे उससे ही पता चलेगा, ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा व्यू चाहिए, अगर आप जितनी बार देखोगे उससे ही आपको नॉलेज होएगी, ठीक है ना। तो अब से अब करते हैं आगे, किए गए कह गई होगी, अब देखो ये लाइट है, ये डार्क है, ये हल्का है, ये गहरा है, ठीक है ना, इस बात का भी आपको फर्क रखना साथ के साथ। किया गया हो, तो देख किया हल्का, गया हो, किए होंगे, तो किया होंगे, फिर किया गया होगा, तो ये यहाँ से बनाते थोड़ा, किया गया ये होगा, फिर गहरा आ जाएगा, फिर कह गए हों, तो ये कह गए और ये हों, फिर पहुंच गई हो, तो ये पहुंच गई हो, फिर पहुंच गई होगी, फिर पहुंच गए होगे,
ठीक है, ये हो गए शब्द चिन्ह व शब्द अक्षर। अब है इसका खै गै, सॉरी, शब्द चिन्ह व शब्द अक्षर पर व्यंजन रेखाओं को मिलाना। तो जैसे आप और मैं, जब दोनों साथ है, जब भी हम कंप्लीट है, तो ये आप और ये मैं, ठीक है, आपको ये उस, और ये पूरा हम के बना देंगे, ठीक है, फिर उस का फिर अब बात आ जाती है एक बार कि व्यंजन रेखा को क्यों बनाना पड़ा। ये है उसी के रूप पर हमने बनाया था यहाँ कहीं उसी को, ठीक है ना। अब के लिए भी चिन्ह है और उसी का भी सेम चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये जैसी लाइन है, ये उसी और ये फिर इसके साथ ही जोड़ते हैं तो के अगला कोई शब्द बन जाता है ना। जैसे कि जय, यही पढ़ोगे ना आप। अब तो इसलिए इस वाले शब्दों की जरूरत पड़ी, मतलब वाक्यांश में शब्द चिन्ह या शब्द अक्षर पर व्यंजन रेखाओं को मिलाना, ठीक है ना। जैसे कि इसके अंदर, तो इसके अंदर की आउटलाइन बनाते हैं वो हम, जैसे कि ये इस, ये के और ये अंदर, नहीं नहीं आ रहा ना, अगर हम ओनली शब्द चिन्ह पर चले तो। अब इसके अंदर शॉर्ट हैंड में आशुलिपि में एक ब्रह्मस्तर क्या है, ब्रह्मस्तरी है ये एक, कि आपको शब्द पढ़ना सिंपल और इजी होना चाहिए, वैसे आपको आउटलाइन बनानी है और जल्दी से जल्दी बने। फिर है उसके अंदर, ये उस, ये के और ये अंदर। किसी किसी बच्चों को अभी हवा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है ये, क्यों क्यों ने वे स्टार्टिंग से नहीं देख रहे, फर्स्ट वीडियो पर आए हैं तो बिल्कुल नहीं समझ आएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप आए और कौन सी भी वीडियो खोल ली और देखने लग गए, नहीं बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जीवन की भी शुरुआत बिल्कुल एक डे से होती है ना, फर्स्ट डे से, तो वैसे ही आप धीरे धीरे सीखते जाते हो, चलना फिरना, उठना बैठना, गुड़ लिया बोलना, तो उसी प्रकार इसकी भी शुरुआत करो, ना कि बीच में से ही, ठीक है ना। तो इनके पहले पार्ट से शुरू करो और कंटिन्यू, जब तक पहला क्लियर नहीं होता जब तक आप दूसरे पे मत जाओ, चलो दूसरे पे चले जाओ। ये नहीं कि पहला देख लिया फिर सीधा दसवां देख लिया फिर सीधा तीसवां देख लिया कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा फास्ट हो, नहीं। तो जितना स्लो चलोगे शॉर्ट हैंड में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसी के अंदर, उसी के अंदर ले गए होंगे, ले गए होंगे, फिर लाए गए होंगे, होंगे, ये दवी सवर अभी वीडियो है ना। और उससे पहले जो ये शब्द चिन्ह क्रिया है इनकी भी आप प्रैक्टिस करो। इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो छोड़ के चले, ना कोई ऐसा पॉइंट है कि छोड़ के चले, नहीं तो मैं भी चाहता तो वाक्यांश के तीन उदाहरण लिखता कोई भी और चलो कंप्लीट। पर मैं आपसे कोई
ये नहीं है कि कुछ ले रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ, है ना। तो मैं अपनी तरफ से आपको ये चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊँ। तो वीडियो थोड़ी इसीलिए देखो, अभी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। यही है लाई गई होगी, होगी फिर है ली गई होगी, ली गई ये होगी, ले गई होगी, ले गई होगी, यही कहेंगे, यही कहेंगे, ठीक है। ये था वाक्यांश निर्माण पार्ट वन। तो इसके दो पार्ट और आएंगे, और इसको तीन पार्ट में इसलिए बनाना है क्योंकि पहला ही पार्ट आप देखो कितना हो गया, तो इसको तिगना कर ले तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो और एकदम खिचड़ी बन जाती, और खिचड़ी ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती, सेहत की खराब हो जब भी अच्छी लगती है वो। तो अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, और जब तक कि इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो और आपका जीवन सफल रहे, यही दुआ करूँगा मैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।